सबसे पहली चीज बेटा, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान। हमें यहां पर क्या क्या चीजें समझनी है बेटा, तो सबसे पहले हम जरा समझेंगे जो सेक्टोरियल वो है बेटा, कंट्री मतलब सॉरी, हमें सबसे पहले जो समझना है बेटा वो समझना है डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स के बारे में। ठीक है, डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स का मतलब ये कि हम ओवरऑल जो सारी चीजें जिसमें हम एनुअल ग्रोथ से लेकर के सारे पॉइंट्स जो हैं उनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या-क्या चीजें डिस्कस करनी है, अगर आप देखो तो आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट है एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ मिलियन, एनुअल ग्रोथ रेट कितनी हो रही है वो समझना है, देन हमें डेंसिटी तीनों कंट्रीज की क्या है वो समझना है, देन सेक्स रेशियो, फर्टिलिटी रेट एंड अर्बनाइजेशन, इन 6 पॉइंट्स को समझना है। और इन 6 पॉइंट्स को हम इसी टेबल के थ्रू समझ लेंगे एंड फटाफट देन इसकी एक बार थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन भी देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बेटा, जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा दैट इज एस्टिमेटेड पॉपुलेशन इन मिलियंस, यानी पॉपुलेशन जो है बेटा वो मिलियंस के टर्म में कितनी कितनी है, और ये डेटा जो है बेटा आपके पास ये 2015 तक का है। सो पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें बेटा, तो आपको देखिएगा कि चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद 1371 मिलियन पीपल, जबकि इंडिया बेटा सेकेंड नंबर पे आएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, दैट इज 1311 मिलियन पॉपुलेशन। और सबसे कम पॉपुलेशन दिख रही है बेटा आपको किसकी, पाकिस्तान की, दैट इज 188 मिलियन। राइट, अब पॉइंट ये चीज नहीं है कि पॉपुलेशन कितनी है, हमें जो मेन चीज समझनी होगी वो है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को अगर आप देखो बेटा, तो आपको ये दिख रहा है कि पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ है बेटा दैट इज 0.5%। ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ इज 1.2% एंड पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ इज सबसे ज्यादा है दैट इज 2.1%। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, पहले आप लोग जवाब दे बेटा, पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होना बेटर है या कम होना बेटर है, क्या आप बताओ, अगर हम जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। ओके, बाकी बच्चे बताएं क्या लगता है बच्चों, कम होना, और बाकी बच्चे बताएं, बैलेंस तो ये तो न्यूट्रल हो गया ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैलेंस वगैरह, मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर ज्यादा है, ठीक है, तो वो एक अच्छा जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एस्पेक्ट है या बुरा एस्पेक्ट है, अब ये बताओ ना सिर्फ। अच्छा ठीक है, जिन लोगों ने बोला कि अच्छा है, ध्यान रखना आपका जवाब गलत हुआ बेटा। ठीक है, तो ध्यान से जरा सारे बच्चे सुनेंगे इस पॉइंट को, देखो पॉपुलेशन ग्रोथ अगर ज्यादा होगी बेटा, ठीक है, तो कंट्री की जो जीडीपी होती है वो अफेक्ट होती है, ऐसे अफेक्ट होती है, इस पॉइंट को आप लोग समझेंगे बेटा। ठीक है, अफेक्ट इसलिए होती है बेटा क्योंकि हमारी कंट्री में अगर जीडीपी, यू नो जीडीपी अगर सॉरी जो जीडीपी होती है उसके अंदर हर एक एस्पेक्ट को देखना होता है, जितना ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज होगा बेटा उतना ही ज्यादा कंट्री के ऊपर बर्डन इंक्रीज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो ये सारी चीजों की वजह से बेटा अगर आपकी कंट्री के अंदर ये सारी चीजें यू नो रिकवर नहीं हो पाती हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ आपके लिए एक यू नो नेगेटिव रिस्पॉन्स देती है। अब अगर आप यहां पर टेबल नोटिस करो तो टेबल में आपको दिख रहा है कि चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे कम है, तो इसीलिए बेटा चाइना की जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ होती थी बेटा वो ज्यादा बेटर होती थी एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। पॉइंट ये भी आता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ चाइना की 0.5 क्यों है, तो उसका रीजन ये है बेटा कि 1980 के बाद चाइना ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की थी एंड दैट पॉलिसी वॉज वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसकी हेल्प से बेटा चाइना ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया और उससे फायदा ये हुआ बेटा। अब आप खुद सोचो ना, एक फैमिली में 2 बच्चे हैं और एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, अब आप एक बात बताओ, सिंगल पेरेंट अगर अर्न करता है तो कौन सा ऐसा फैमिली है जो ज्यादा ग्रो करेगा, आप बताओ, टू मेंबर टू चाइल्ड वाला फैमिली या 10 चिल्ड्रंस वाला फैमिली, आप बताओ, राइट है ना, करेक्ट। सो दिस इज व्हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ इन द जीडीपी, कंट्रीज जीडीपी, क्लियर।
ठीक है ओके। अगर आप देखो इंडिया का, तो इंडिया के इज 1.2 विच इज सो फार एक बैलेंस जो आप बोल रहे थे एवरेज वाइज वो ठीक है, लेकिन अगर आप देखो तो पाकिस्तान की जीडीपी क्यों डाउन है बेटा, क्योंकि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो डबल दिख रहा है, 2.1% का है। तो इसीलिए बेटा पाकिस्तान की एक तो पॉपुलेशन कम है और ऊपर से उनका पॉपुलेशन ग्रोथ भी ज्यादा है, तो सिंस उनके पास ज्योग्राफिकल एरिया कम है, ऊपर से पॉपुलेशन का बर्डन इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो फॉल डाउन कर रही है। बात समझ में आई सब बच्चों को? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। बेसिकली डेंसिटी का मतलब होता है बेटा पर स्क्वायर किलोमीटर में, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन बेटा कितनी स्क्वायर किलोमीटर यूज करता है अपने कंजम्पशन एंड सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अब आप इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो आपको दिख रहा है कि चाइना की जो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है यानी पर स्क्वायर किलोमीटर की जो एक्वायरमेंट है वो चाइना की सबसे कम है। अब ये एक पॉजिटिव अप्रोच है, क्यों, उसका रीजन समझना। मान लो बेटा इतनी एरिया है और इतनी एरिया में चाइना सिर्फ इतनी एरिया को यूज कर रहा है पॉपुलेशन को रखने के लिए, यानी पॉपुलेशन को मतलब यू नो मतलब पॉपुलेशन के रहने वहने के लिए, तो ये जो बाकी एरियाज बच गई ना, बाकी एरियाज को चाइना अपने प्रोडक्टिव एरियाज के लिए यूज कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड इन टर्म्स ऑफ सर्विस सेक्टर। सो इसीलिए बेटा जितना कम डेंसिटी रहता है, ठीक है, उतना ही ज्यादा कंट्री के पास बेटा लैंड या फिर एरिया अवेलेबल होती है फॉर देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। सो अगर आप नोटिस करें यहां पे भी बेटा, अब ध्यान से समझना, चाइना सिंस मोस्ट पॉपुलस कंट्री है बट उसका डेंसिटी बहुत कम है, तो इसका मतलब ये बेटा कि चाइना के पास इनफ लैंड अवेलेबल होती है फॉर यू नो प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। जबकि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की सेंस पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन इंडिया का डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर जो है बेटा वो भी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू चाइना, ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी अफेक्ट होती है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, कमाल की बात ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी कंपैरेटिवली अगर आप नोटिस करो, अगर मैं इसको एक रफ फिगर पे यू नो एनालाइज करने की कोशिश करूं, मैं इंडिया को 1300 कर दूं और पाकिस्तान को 200 बिलियन की पॉपुलेशन कर दूं, तो पाकिस्तान इंडिया की पॉपुलेशन पाकिस्तान से नियर अबाउट 6.5 टाइम ज्यादा है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो उस हिसाब से अगर पाकिस्तान यू नो 245 पर स्क्वायर किलोमीटर यूज कर रहा है डेंसिटी, तो इंडिया के 6.5 टाइम्स के अकॉर्डिंग बेटा ये तकरीबन 1400 होना चाहिए था, ठीक है, 1400 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए था, बट इंडिया का ओवरऑल कितना है 441, नियर अबाउट 450 आप मान लो, ठीक है, बट पाकिस्तान बेटा उससे जस्ट हाफ है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की कंडीशन इंडिया से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि बेटा पाकिस्तान के लोग ज्यादा एरिया एक्वायर कर रहे हैं फॉर देयर सर्वाइवल और पाकिस्तान के पास बेटा इसीलिए लैंड अवेलेबल नहीं है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर जीडीपी ग्रोथ के लिए। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं। ध्यान रखना बेटा सेक्स रेशियो तीनों कंट्रीज के अंदर खराब है, ठीक है, जिसमें सबसे वर्स्ट कंडीशन पे इंडिया है। सेक्स रेशियो का मतलब ये होता है बेटा कि पर 1000 मेल मेंबर कितनी फीमेल्स होती हैं। सो अगर आप इंडिया में देखो, सो इंडिया में आउट ऑफ 1000 मेल मेंबर 929 फीमेल्स है, ये डेटा 2015 के अकॉर्डिंग। चाइना के अंदर बेटा आउट ऑफ 1000 941 फीमेल्स है, एंड सिमिलरली बेटा पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप देखो तो 947 है। नियर अबाउट अगर आप देखो तो इंडिया की सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा खराब है, बट पाकिस्तान एंड चाइना इनका भी सेक्स रेशियो बहुत खराब है, और रीजन इज कि तीनों कंट्रीज के अंदर बेटा जो सन की प्रेफरेंस होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जिसकी वजह से फीमेल्स पे या फिर यू नो गर्ल चाइल्ड पे इतना ज्यादा मतलब अटेंशन नहीं पे किया जाता है, जिसकी वजह से तीनों कंट्रीज का सेक्स रेशियो बहुत ही बुरी कंडीशन में है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें बेटा तो फर्टिलिटी रेट की, ठीक है, देखो फर्टिलिटी रेट का मतलब यहां पर ये है विमेन्स की हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फर्टिलिटी रेट का यहां पर जो ओवरऑल मोटिव है वो विमेन्स के हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करो तो चाइना का फर्टिलिटी, चाइना के अंदर विमेन्स का जो फर्टिलिटी रेट है बेटा दैट इज 1.6 का मतलब ये है कि एवरेज
एक कपल जो है वो 1 to 2 चाइल्ड को बेटा मतलब बर्थ करता है, ठीक है, देता है, जबकि इंडिया के अंदर 2.3, दैट मींस नियर अबाउट 2 to 3 है, और पाकिस्तान के अंदर बेटा 3.7, यानी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा है। सो ओवरऑल अगर आप देखो तो पाकिस्तान का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है बेटा, लेकिन अगर हम विमेन हेल्थ को फोकस करें बेटा, ठीक है, विमेन हेल्थ को अगर हम फोकस करें तो आपको ये दिखेगा कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड फर्टिलिटी रेट दोनों में बेटा चाइना मतलब कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। बात समझ में आई? ठीक है, ओके। अर्बनाइजेशन इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट फॉर जीडीपी इंडिकेटर या फिर जीडीपी ग्रोथ इंडिकेटर। अर्बनाइजेशन में अगर आप देखो, सिंस चाइना एंड इंडिया मतलब काफी यू नो कंपेटिटिव माने जाते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, बट अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करें तो चाइना इज फार एंड फार बेटर देन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, चाइना के अंदर बेटा अर्बनाइजेशन इज 56%, मतलब वहां पर अर्बन एरिया ज्यादा हो चुके हैं, रूरल एरियाज कम है। क्यों? क्योंकि बेटा चाइना ने अपनी कंट्री की जो लैंड है, अपनी कंट्री की जो एरियाज है, वहां पर डेवलपमेंट किया है, और उसी डेवलपमेंट की वजह से बेटा चाइना के कितने सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जो अब अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से चाइना की जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, अच्छी रही है टिल 2015। क्लियर भाई सारे बच्चे? क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर इसी पे आप ध्यान से देखो तो आपको देख के ऐसा लगेगा कि सर पाकिस्तान का अर्बनाइजेशन इज बेटर देन इंडिया। ठीक है, डेटा वाइज अगर हम नोटिस करें तो पाकिस्तान का अर्बनाइजेशन इंडिया से बेटर जरूर है बेटा, बट अब ध्यान से सुनना, अगर हम इस चीज को थोड़ा सा फोकस करें तो ध्यान से समझना, एक्चुअल में प्रैक्टिकली इंडिया पाकिस्तान से बेटर है। उसका रीजन ये है बेटा कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल एरिया है बेटा वो इंडिया से बहुत कम है। ठीक है, मतलब मैं अगर आपसे ये बोलूं कि ये इंडिया की एरिया है और ये पाकिस्तान की एरिया है बेटा, ठीक है, तो मान लो मैं बोलता हूं कि पाकिस्तान के पास लेट्स से 1000 square kilometers है जस्ट फॉर रेफरेंस, और इंडिया के पास लेट्स सपोज मैं बोलता हूं 5000 square kilometers बेटा। ठीक है, अब आप जरा नोटिस करो, मान लो मैं इसको 30% ही बोल दूं रफ फिगर पे और इसको 40% बोल दूं, तो बेटा 1000 का 40% मतलब 400 square kilometers जो एरिया है बेटा वो अर्बनाइज है, और इंडिया का 5000 square kilometers है जिसमें अगर 13% भी कर दूं मैं, 30% भी कर दूं, तो 1500 square kilometers बेटा अर्बनाइज एरिया है। तो मतलब अगर आप नोटिस करो तो पाकिस्तान के पास 400 square kilometers की अर्बन एरिया है, जबकि इंडिया के पास बेटा 1500, मतलब डबल से भी ज्यादा अर्बन एरियाज है। तो सिंस ये डेटा एवरेज वाइज कम दिख रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली इंडिया का अर्बनाइजेशन पाकिस्तान से ज्यादा बेटर है। पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को? Everyone, okay? अच्छा, so ये वही explanation दिए बेटा जो हमने अभी पढ़ा, ठीक है? अगर हम population की बात करें, वही same data आपको देखने को मिलेगा कि India के अंदर 1300 sorry China की most populous country that is 1371 million की population है, India की 1311 million की population है, and Pakistan की just 188 मिलियन की पॉपुलेशन है। ठीक है, देन अगर हम बात करें ग्रोथ की तो आपको देखेगा बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ में चाइना की सबसे लोएस्ट ग्रोथ है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, एंड द रीजन इज चाइना अडॉप्टेड वन चाइल्ड पॉलिसी इन लेट 1970s, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वेमेन्स का हेल्थ स्टेटस था या यू नो जो सोशल सिक्योरिटीज थी बेटा लोगों की, वो ज्यादा बेटर होती चली गई है। ठीक है, चाइना के अंदर बिकॉज उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट की है। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो चाइना इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज लोएस्ट, तो डेंसिटी इसीलिए कम है बेटा क्योंकि ग्रोथ रेट भी चाइना की बहुत कम हो गई है पॉपुलेशन वाइज, और बेटा पॉपुलेशन का जो कंट्रोल है वो भी ज्यादा है, जिसकी वजह से बेटा चाइना की जो डेंसिटी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो गई है एज कंपेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सेक्स रेशियो हमने पढ़ लिया था, फर्टिलिटी रेट हमने देख लिया कि इंडिया का 2.3 पर विमेन है बर्थ वाइज, चाइना का 1.6 बर्थ है पर विमेन, एंड पाकिस्तान का ऑफकोर्स सबसे ज्यादा 3.7 बर्थ है पर विमेन।
अर्बनाइजेशन में चाइना इज नियर अबाउट 56%, इंडिया इज 33% एंड पाकिस्तान इज 39%। यहां तक सारे बच्चे क्लियर हैं? सारे बच्चे यहां तक क्लियर हो? ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा जरा ग्रोथ इंडिकेटर की। ठीक है, जरा यहां ध्यान से समझना। ठीक है, अगर हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें बेटा, ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ में आपको देखिएगा सबसे पहला पॉइंट कि चाइना इज विथ सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू परचेजिंग पावर पैरिटी। सो पहले आप ये समझ लो परचेजिंग पावर पैरिटी होता क्या है बेटा। परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर ऐसा होता है बेटा कि हर एक कंट्री की जो वैल्यूएशन होती है, मॉनेटरी वैल्यूएशन, जैसे इंडिया की रुपीज है, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपीज है, चाइना की जो करेंसी है दैट इज युआन। अब आप लोग को ये चीज अच्छे से पता है कि हमारी कंट्री का 1 रुपी अलग अलग कंट्री में अलग अलग वैल्यूएशन पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 रुपी इज इक्वल टू लेट्स से 0 point something डॉलर होगा, ठीक है। सिमिलरली 1 रुपीज जो बेटा वो अलग कंट्रीज में या फिर दरम में अलग वैल्यूएशन पे होगा। तो ये ना एक परचेजिंग पावर पैरिटी होती है, और परचेजिंग पावर पैरिटी को एक स्मूथ मतलब बनाने के लिए एक यूनिवर्सल करेंसी रखी गई है, जिसको आप सब जानते हैं। वो कौन सी करेंसी है? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी कौन सी है बेटा? डॉलर है, ठीक है, ओके। सो अब ध्यान से समझना बेटा, अगर हम जीडीपी इंडिकेटर की बात करें तो चाइना की सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी है बेटा, ठीक है, जो कि नियर अबाउट 19.8 trillion dollar की है। इंडिया सेकेंड नंबर, मतलब इंडिया चाइना के बाद आता है, जिसकी जीडीपी बेटा कितनी है? 8.07 trillion dollar की है। और सबसे कमाल की बात यह है बेटा कि जो पाकिस्तान की जीडीपी है वो इंडिया की जीडीपी का जस्ट 12% है। जस्ट 12%, मतलब अगर मैं एक रफ फिगर पे इंडिया की जीडीपी को 8 trillion dollar रखता हूं बेटा, ठीक है, तो पाकिस्तान की जीडीपी विल बी नियर अबाउट 0.96% की, या फिर 0.96 trillion dollar, या आप ये बोल सकते हो 1 trillion dollar की सिर्फ जीडीपी है। तो आप ये समझ सकते हो बेटा कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो सबसे बुरी कंडीशन में है, और उसके पीछे जो रीजन है बेटा वो रीजन क्या क्या है। पहली चीज, उनका एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा है, उनका जो डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर है वो भी ज्यादा है कंपैरेटिवली। सेक्स रेशियो ऑफ कोर्स तीनों कंट्री का खराब है तो पाकिस्तान का भी खराब है। फर्टिलिटी रेट ज्यादा है तो इसीलिए पॉपुलेशन ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो रही है, और उनका अर्बनाइजेशन भी बेटा बाकी दोनों कंट्रीज से प्रैक्टिकली काफी पीछे है। तो इन सारे रीजंस की वजह से जो पाकिस्तान का ओवरऑल जीडीपी है बेटा वो ओनली नियर अबाउट 1 trillion dollar का है। बात समझ में आई सब बच्चों को? ओके, अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट और आप लोग समझेंगे बेटा। अगर हम 1980 टू 1990s की बात करें बेटा, ठीक है, तो ये वो टाइम था बेटा जहां पर इंडिया, अगर आप नोटिस करो तो इंडिया के अंदर भी बेटा इकोनॉमिक रिसेशन आने की एकदम ऑलमोस्ट कंडीशन आ चुकी थी, क्योंकि 1991 में इसीलिए इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद ही इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन वर्स्ट सिचुएशन पे थी। अगर आप पाकिस्तान को भी देखो बेटा तो पाकिस्तान ने भी 1988 में अपना न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया था। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का भी जो इकोनॉमी था बेटा वो बहुत ही बुरे कंडीशन में था। हम अगर बाकी अदर कंट्रीज को भी देखें बेटा तो किसी भी कंट्री का ना 5% से ऊपर का जीडीपी था ही नहीं। किसी भी अदर कंट्री को अगर हम नोटिस कर लें, किसी भी कंट्री को, तो किसी भी कंट्री का जीडीपी बेटा 5% से अबव या 5% के आसपास ही था, मतलब उससे ऊपर नहीं था। लेकिन यहां पर एक अकेली चाइना की ऐसी कंट्री थी बेटा जिसने डबल डिजिट कहने का मतलब यह बेटा कि जिसने 10.3% की जीडीपी ग्रोथ की थी। और ये जीडीपी ग्रोथ क्यों हुई थी, इसके पीछे कुछ रीजन है जिनको अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप जरा नोटिस करना, ठीक है, आपके सामने एक टेबल है बेटा। इस टेबल में अगर आप नोटिस करो तो दो फिगर्स गिवन है, ठीक है, एक 1980 टू 1990 का फिगर गिवन है और एक बेटा 2011 टू 2015 का डेटा गिवन है। अब जरा सारे बच्चे फोकस करके ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोटिस करो बेटा तो 1980 टू 1990 में इंडिया का इकोनॉमी वाज, सॉरी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 5.7%। चाइना का जो ग्रोथ रेट था वो बेटा वो डबल डिजिट पे था, जो किसी भी कंट्रीज का जल्दी नहीं देखा जाता था। और
चाइना की ग्रोथ रेट जो थी बेटा वो 10.3% की थी। अगर हम बात करें कि इसके पीछे रीजंस क्या है कि मतलब चाइना की जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी थी तो उसके पीछे रीजन क्या है, तो बेटा रीजन है उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म काफी पहले आ गया था। अब अगर आप लोग को याद हो हमने ये चीज पहले भी डिस्कस कर रखी है बेटा, चाइना का इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था, चाइना के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म कब आया था, हाय किसी को याद ही नहीं है कब आया था, वो तो मैंने लिख दिया तब जाके याद आ रहा तुम लोगों को, सो ध्यान से समझना बेटा। किसी का माइक ऑन है, एक मिनट माइक ऑफ करो बेटा। ओके अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना जरा आप लोग बेटा, देखो पॉइंट ये है कि जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म आता है बेटा, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट होता है ना वो तुरंत नहीं दिखता, उसका इम्पैक्ट सिंस वो इकोनॉमिक रिफॉर्म बेटा लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के लिए होता है, तो उसका मतलब जो यू नो रिजल्ट आता है वो 5 to 7 years या 5 to 10 years के बाद दिखना शुरू होता है। तो सिंस चाइना के इकोनॉमिक रिफॉर्म बेटा 1978 में आ गया था, तो उसका रिजल्ट बेटा आफ्टर 10 years 1985 के बाद जो है दिखना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से बेटा चाइना की जो इकोनॉमी थी वो काफी बूस्ट हुई थी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर सेक्टर भी बेटर होता चला गया था। तो इसीलिए चाइना की जो इकोनॉमी थी वो बहुत मतलब जीडीपी जो थी वो बहुत बेटर थी एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। बट कमाल की बात एक और है बेटा, अगर आप नोटिस करो बेटा तो 1980 टू 1990 में पाकिस्तान की इकोनॉमी वॉज बेटर देन इंडियाज इकोनॉमी। अब उसके पीछे कुछ रीजन है बेटा, रीजन ये कि इंडिया के अंदर बेटा एक तो प्राइवेटाइजेशन नहीं था उस टाइम पे, दूसरा पॉइंट इंडिया के अंदर बेटा यू नो ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तीसरा पॉइंट बेटा इंडिया ने जो भी पॉलिसीज जो भी 5 year प्लान्स इंट्रोड्यूस किए थे वो फुल्ली यू नो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से इसके अलावा स्कैम्स वगैरह तो थे ही, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से बेटा इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी जो जीडीपी ग्रोथ था वो सबसे लोएस्ट स्केल पे था ड्यूरिंग 1980 टू 1990। ये बात समझ में आई सब बच्चों को, एवरीवन क्लियर? अब हम बात करते हैं जरा 2011 टू 15 के जीडीपी में। अब यहां पर अगर आप देखो तो एक अकेली इंडिया ऐसी कंट्री आपको दिखेगी बेटा जिसका जीडीपी क्या हुआ है बेटा, ग्रो किया है। बाकी अगर आप देखो तो चाइना की जीडीपी जो है ड्रास्टिकली डाउनफॉल हुई है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान की भी जीडीपी डाउनफॉल हुई है। अब ध्यान से सुनना कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखो इंडिया की जीडीपी इसलिए ग्रो करी बेटा क्योंकि 1991 में इंडिया ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर के आई थी, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटीज मिली। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन की हेल्प से बेटा जो फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे इकोनॉमिक टर्म्स थे या ट्रेड थे वो इंप्रूव हो गए, ठीक है। एट द सेम टाइम बेटा ड्यूरिंग 1991 या फिर आफ्टर 1991 इंडिया ने बेटा अपने फॉरेन रिजर्व्स को जो आरबीआई फॉरेन करेंसीज का रिजर्व रखता था उसको मेंटेन करना शुरू किया, और इसीलिए बेटा 2015 तक आते आते इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व था वो इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ चुका था, जिसकी वजह से इंडिया की जीडीपी क्या होने लगी बेटा, ग्रो करने लगी। बट अगर आप चाइना एंड पाकिस्तान को देखो तो चाइना की भी इकोनॉमी ड्रास्टिकली फॉल डाउन की है, एट द सेम टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी भी फॉल डाउन की है। पहले हम बात करते हैं चाइना की। देखो बेटा जब इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं था तो चाइना क्रिएट्स मोनोपोली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, बट जैसे ही इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म बेटा लेकर के आई तो बेटा जो फॉरेन कंट्रीज थी उन्होंने इंडिया के साथ बिजनेस करना शुरू कर दिया, ठीक है, और जिसका नेगेटिव इंपैक्ट किस पे पड़ा, चाइना पे पड़ा। चाइना को फिर अदर कंट्रीज क्या करने लगी, बॉयकॉट तो नहीं कह सकते बट चाइना के साथ यू नो मतलब अपने ट्रेड रिलेशन कम करने लगी। इसका कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, मान लो मैं चाइना हूं, ठीक है, मैं ना आप लोगों पे यू नो एक मोनोपोली क्रिएट करके रखा था कि भाई इसी रेट पे आप लोग को मेरे से ये प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, बट जैसे ही मुझे देखा कि एक मेरा नेक्स्ट कंपेटिटर आ गया
और वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो बेटा मेरे कस्टमर चले जाएंगे दूसरे कंट्रीज के पास, और यही इम्पैक्ट पड़ा बेटा चाइना की इकोनॉमी पे, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी। बात समझ में आई सबको? ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान, सिंस पाकिस्तान में ने भी बेटा अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म 1988 में इंट्रोड्यूस कर दिया था, तो उनका इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय स्लो डाउन क्यों हुआ, डाउनफॉल क्यों कर गया, ये आपको समझना होगा। तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को बेटा। सिंस पाकिस्तान के अंदर बेटा जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो थी उनकी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, पाकिस्तान के अंदर जो मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से हुआ ये कि कभी मिलिट्री रूल आ गया, ठीक है, कभी गवर्नमेंट अपने आप हर टाइम पे वन ईयर टू ईयर्स थ्री ईयर्स में चेंज होने लगी, और इसकी वजह से क्या हुआ कि कंट्री बेटा कभी भी अपने आप को स्टेबलाइज नहीं कर पाई, और वही इंपैक्ट उनके इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पड़ा, जिसकी वजह से उनकी जीडीपी क्या होती चली गई, फॉल डाउन होती चली गई। एंड इसके अलावा जो डेट बर्डन था बेटा वो पाकिस्तान के ऊपर इंक्रीज होता चला गया, और वो अपने डेट बर्डन को रिड्यूस करने के लिए कोई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बेटा और क्या होने लगी, आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म और डाउनफॉल हो गई। मतलब ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया था बेटा, अडॉप्ट किया था, वो उनके लिए बाउंस बैक हो गया, मतलब उनके लिए उल्टा नेगेटिव इंपैक्ट देके चला गया। पॉइंट समझ में आया सब बच्चों को? एवरीवन क्लियर? ठीक है।